लोगों की भीड़ चली तो हर डिपार्टमेंट वाले ने हमको बुलाना शुरू किया। बुध के दिन बुलाया और जुमरात को सहयोग चालू करवाया और जो क्लोजर दिया गया था उसकी सब बात मानी गई। दोबारा बिल्कुल क्लोजर आया, 28 सहयोगियों के ऊपर आया। मैं बोलता रहा मेरे साथियों को, इन 28 सहयोगियों के लिए बेमुद्दत सहयोग बंद की जाए, नहीं मिले तो बहुत सताएंगे। हर डिपार्टमेंट इंस्पेक्टर राज चाहता है, मगर मेरे दो साथी उनको कानून पे बहुत भरोसा था, हाईकोर्ट चले गए और वो 6 महीनों तक वो सहयोग बंद की पगार देते देते कर्जदार हो गए। उनको आज का तकलीफ पर आप ध्यान रखिए, आज का तकलीफ पर भी रीस्टार्ट मिलना आप देने का बोले हैं। कल मैं वो ऑफिसर को फोन लगाया तो बोले मैं गिट्टी मशीन का सर्वे कर मैं ये सर्वे कर दूंगा, 8 सहयोगियों 10 सहयोगियों तो रीस्टार्ट का रास्ता साफ होगा। आपके साथ मैंने सलन शेख साहब को कहा कि यार उनका भाव बहुत बढ़ रहा है, कपड़ा बिक नहीं रहा है, तो बोले वो सेंट्रल का काम है, अरे सेंट्रल करने वाली है। बोले ठीक है, फिर बोले यार एक एक दिन तो आपको अकाउंट में आना पड़ेगा ना, तेजाब में आना पड़ेगा ना, तो हमारी जो महावितरण कंपनी पर फिर से जो डिटेल है हमारे पास इतने एक्सपीरियंस इतना नंबर वो कहा है, हम जो पावर कट का बिल भर रहे वो गवर्नमेंट देख रही है कि नहीं देख रही, मगर ये रिम बनाई गई है कि पावर रूम बुनकर बहुत पैसा कमाता है, बहुत लूटता है, इसलिए इसकी सब्सिडी किस तरह कम की जाए, खत्म की जाए, जैसे गैस की सब्सिडी खत्म की गई है। ये हमारे साथ साजिश की जा रही है, ये हमको समझता है। मुक्ति इस्माइल साहब के सामने थोड़ी बात हुई हम बाहर निकल गए, हमको कुछ ऐसा इत्मीनान बख्श जवाब नहीं मिल रहा था। दादा भूसे साहब आ गए, हमारे दयानी के सब विवर लोग आ गए, वापस फिर गए तो टोन बदली हो गया। वो कुछ और बोलने लगा कि ये चीफ मिनिस्टर साहब के पास जाएंगे, फाइनेंस मिनिस्टर जो है अजीत दादा पवार साहब है ये हल करने वाले हैं, ये जैसा बोलेंगे हम करेंगे, आप लोग अपना भाव लेके आइए, आप लोग को क्या तकलीफ है लेके आइए, मैं मीटिंग लगाता हूं, ये मीटिंग अब। अगर आप लोग सही मानों में इस शहर पे हमदर्द हो, इस गरीब मजदूरों के लिए जीते हो, जो आज सेट है वो कल मुकादम था, कहीं रूम चलाता था वही सेट है, यहां पर एक एक पैसा जोड़कर दो दो चार चार रूम लगाकर उसके बाद लोग ऊपर आए थे। सरकार हमारी कोई मदद नहीं करती सिवाय पावर की सब्सिडी के अलावा, और उसमें इतने चार्जेस लगाते हैं कि हमारी सब्सिडी कहां गई हमको खुद नहीं मालूम रहता है। मुझे बताइए कि सरकार कितने लॉकडाउन में ये ऐलान की कि रिक्शे वालों को देंगे, इसको देंगे, हमारे को देंगे, हमने कहा कि 5,000 रुपया मजदूरों के अकाउंट में दिए जाए, मेरे से सवाल किया पेपर वाले ने कि वो कैसे देंगे, मतलब मानधन अकाउंट है, राशन कार्ड है, उस पर देना चाहिए, अगर देने की नीयत है तो ले लीजिए करिए, मगर आपको कोई मदद देने वाली सरकार नहीं है, अपनी लड़ाई खुद लड़ना है ऐसा हमको दिखता है। इसलिए हम आपको इकट्ठा करके जो दो चार लोग है, कोई भंडारिया नाम का आदमी है जिसका लूमा वो पूरा बंद करके दयानी में चलाता है, जिसकी वजह से हमको तकलीफ आती है, मैं वहां इसलिए नहीं हमारे लोगों को भेजता कि कल अगर एचएम हो जाए, हिंदू मुसलमान हो जाए तो शायद वो कौन संभालेगा, मगर वो मानता नहीं है। ये केवल महाजन साहब है, सब लोग को बोल दिया गया है मगर वो हमारी बात नहीं मानता है। मुझे बताइए 99.9 पावर नंबर ने जो चालू रखा है उस यूएस शहर का हमको खराब करने का जिम्मेदार है कि नहीं है, उसको मैं ये बोलता हूँ कि मुझको फोन करते हो, जिम्मेदारों को फोन करते हो, तहरीक किसे बोली जाती है, तहरीक उसे बोली जाती है, एक बच्चा भी किसी को भी फिर जाए इसे तहरीक बोलते हैं, आप फोन करते हो अगर उसका
ताकत है मुझे बताइए। आप अगर उसका सामाजिक बायकॉट कर देंगे, आप उससे लेन देन बंद कर देंगे, तो क्या वो शहर के साथ आने का सोचेगा नहीं? मुझे बताओ, अगर कोई अफवाह फैला रहा है, सूद वाला जिसके पास रुपया है वो 500 डॉलर देकर छुट्टी रख ले रहा है और बोल रहे मैं इतना सर बेच चुका हूं, तो क्या उस सट्टे बाजार को सबक नहीं सिखाना चाहिए? असलम शेख साहब ये बोल रहे वो हमारे हाथ में नहीं है, फिर आपके हाथ में क्या है? अबू आसिम आदमी ने लगाया फोन कि आप वो असलम शेख लाचारी बता रहा है, तो वो गाड़ी देकर देना बोले उसको बोलना इस्तीफा दे दे, काम करना नहीं चाहता तो काय के लिए कुर्सी पे बैठे हो? अगर आपकी हमदर्दी है इस शहर को, अगर शहर वाले ये सोचते हैं कि चक्कर चलता है तो सबका कारोबार चलता है, तो वो क्यों नहीं बोलते कि हम पावर रूम के साथ पूरा शहर एक दिन के लिए बंद रखेंगे? अगर आप सियासी पार्टियां ये सोचे कि आप लोग अगर बंद रखे आपकी रोजी रोटी का सवाल है, आप लोग हमारे लिए इलेक्शन में दौड़ते हैं, तो उनको हमारे साथ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हर उलमाए कराम को लिखा गया है, ये बोला गया है, जब तक उलमाए कराम किसी तहरीक पर नहीं आते तो तहरीक कामयाब नहीं होती। हमारे तमाम वक्तव्य लिखे उलमाए कराम को हमको सड़कों पर लाना, हमारे शनिचर एतवार पीर को अगर हमारा कुछ बात नहीं सुनी गई, सरकार ने लोन को कम करने के लिए कोई बात नहीं सोचा, कपड़ा एक्सपोर्ट हो या यार्ड एक्सपोर्ट रोकने का या नई टेक्सटाइल पॉलिसी बनाने का आश्वासन नहीं दिया गया, तो इस शहर को जमा करना चाहिए, इस शहर को ही बेमुद्दत बंद करना चाहिए और पूरे लोग को सड़कों पर बैठे रहना चाहिए। किसान 6 महीने से बैठा है, आज किसान ये बोल रहा है 4,75,000 लोग हम दिल्ली में घुसेंगे छुट्टी के दिन और हम तारीख नहीं बताएंगे। आपकी ताकत क्या है? आपको एक जगह है, इस शहर में 10 लाख के करीब है, वो यूपी बिहार और हरियाणा पंजाब से है। सोचो वो अपनी लड़ाई 6 महीने से लड़ रहे हैं, आपको 3 दिन में अफवाह के जरिए से सहकाया जा रहा है कि हम शनिचर से चालू करेंगे, मंगल से चालू करेंगे। अभी मैं बाहर गया था फोन से इच्छा करेंगी बात कर रहा था, दिलीप भाई है वहां के अध्यक्ष, बोले हमने पार्किंग का जो बेमुद्दत बंद किया है, मेरे को आपके वहां के पार्किंग के लोगों से बात कराए, हम लोग पूना आते हैं, वो हम लोग पूना आए वहां बैठ के मीटिंग करे कि पूरा भिवंडी भी बंद हो, सोनापुर भी बंद हो, बीटा भी बंद हो, पैसे हमें सरकार से दो हाथ करना है, ये आपके बंद की ताकत है कि पूरा टेक्सटाइल सेक्टर आपके शहर की तरफ देख रहा है? मुझे बताइए कि कल से सुबह में अगर आपकी तहरीक को कोई तोड़ने की कोशिश क्यों करेगा, उस सरकार को आप अगर सिखाएंगे नहीं सिखाएंगे बोलिए? किसी की जरूरत नहीं बनना चाहिए। अगर ये लोग एसपी के जरिए से पाए नहीं होते हैं कि किसी का कारखाना जबरदस्ती बनाए बंद किया जाएगा, तो हम कार्रवाई करेंगे, एसपी साहब हम पूरा पुलिस स्टेशन भर देंगे, आप कार्रवाई को करिए। कोई भी हमारी को डायनामाइट करने की कोशिश करेगा तो वो इस शहर का गद्दार रहेगा, काम का गद्दार रहेगा, गद्दार सुना रहेगा। और आपसे गुजारिश है कि जो 3 दिन चला रहे हैं उनके सामाजिक बायकॉट कीजिए और कल से इस तहरीक पर शिद्दत डालिए। आप सोच कर बताइए कि 3 दिन हम क्या करें? हम शाखा जमाने वाले थे तो सभी बैंक को किला पुलिस स्टेशन में बुलाया और नोटिस दी, जबकि हमने कैंसिल किया। हमारे कुछ भाई यह बोलने लगे कि हमारी रोजी रोटी है, मुखिया ग्राम से पूछ लो ताका जलाना सच रहेगा या गलत? हम
हम मालूम है कि मुख्तियार करार से सवाल कर रहे हैं, मगर ये सवाल है इसलिए हम वो कैंसिल करें। इनको ये बोलते बताया गया कि आप पुतला जलाने वाले हो, वे पुतला कितने लीडरों का जलाना, हर लीडर को हमारे खिलाफ है, कितने का जलाएंगे हम है। इसलिए मेरा ये बोलना है कि आप ये इतने लोग ही काफी है, 313,000 के भारी थे, आप तेरे 500 बैठे हुए हैं, पूरे देश में भारी है। इंशाअल्लाह ताला आपका इतिहास रहा तो इस सरकार की हम चीफ से ही बता देंगे। के ताल्लुक से जो मीटिंग हुई उसमें क्या फैसला लिया गया उसके मुताबिक बताइए। आज की मीटिंग जो थी कोई नया फैसले के लिए नहीं ली गई थी, जो फैसला लॉस में हुआ था हबीब लॉस में कि बेमुद्दत बंद, उसी को बैठ के समीक्षा करना थी कि 3 दिन के अंदर कारखानेदार और मजदूरों के क्या रिएक्शन आए और आगे के हमको लाए अमल को कैसे करना है, इस 3 दिनों के बाद गवर्नमेंट का क्या कहना है, क्योंकि इसी दरमियान अल्लाह करम से हमारा शासन बेदार हुई और फौरन, चूँकि हम लोग 6-7 तारीख को 7 जून को प्राइम मिनिस्टर को भी हमने लेटर लिखा था मजदूरों के ताल्लुक से, वो कॉपी मेरे मोबाइल में आपको चाहिए तो मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ, वहाँ से जवाब भी आया, लेकिन ये गवर्नमेंट सेंटर की और स्टेट की सिर्फ सवाल का जवाब दे देती है, कोई कार्रवाई नहीं करती, कोई मदद नहीं करती। हमने लेबर के ताल्लुक से बहुत वाजी कहा था कि भुखमरी के आलम में आप तत्काल कुछ ना कुछ मदद करें, वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया। आज हम इस बात को लेकर फिर वचनबद्ध हैं कि हमें शहर के अमन को बरकरार रखते हुए अपने मजदूरों का जिस तरीके पिछले लॉकडाउन में बगैर किसी अपील के हर कारखानेदार अपनी हैसियत से उसको लेकर चला था, आज भी उसको लेकर चल रहा है, लेकिन हमारा काम है तो उनसे गुजारिश करते रहें। और बॉम्बे के अंदर जो मुंबई के अंदर जो भी असलम शेख साहब ने मुफ्ती इस्माइल साहब के रिक्वेस्ट पे जो टाइम दिया तत्काल फौरी तौर पर उन्होंने टाइम दिया, उसके शुक्रिया के साथ हम वहाँ बैठकर जो बुनियादी बात थी उसको उनके सामने रखे, आधे मसाइल के ऊपर उन्होंने वाजे कर दिया कि ये हमारे इख्तियार में नहीं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के इख्तियार में और महाराष्ट्र शासन के पास जो पोर्टफोलियो है उनके पास, तो उन्होंने ये आश्वासन दिया, मीडिया पर भी कहा कि जो मेरे लेवल पर है मैं करूँगा, मेरी मिनिस्ट्री के लेवल पर जो है वो करूँगा, जो बातें स्टेट लेवल पर कैबिनेट में करना है हम कैबिनेट में रख के उसको आप लोगों के लिए यंत्रमान धारकों के लिए अच्छा करने की हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे, और दिल्ली में जो जरूरत रहेगी तो हम खुद यहाँ से डेलीगेशन लेकर दिल्ली में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इस बारे में अवगत कराएंगे, इतनी बात वहाँ उन्होंने रखी। और एक जो मेन बर्निंग पॉइंट है जो मालेगांव ने पूरे महाराष्ट्र के लिए 2018 में भी गवर्नमेंट ने पावर लूम पर दी जाने वाली सब्सिडी के लिए उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के फॉर्म को कंपलसरी कहा था, ये तीसरी या चौथी दफे उसके तारीख में बढ़ोतरी हुई है। हमने सख्त विरोध वहाँ किया मंत्री महोदय के सामने, और उस वक्त हमारी जब बातचीत हो रही थी मंत्री महोदय के सामने, दादा बाबू किसे भी बैठे हुए थे, मुफ्ती इस्माइल साहब भी थे, और टेक्सटाइल के महाराष्ट्र की जो सेक्रेटरी हैं कमिश्नर अस्वारी वो भी बैठी थी मैडम, और जो टेक्सटाइल डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी साहब थे वो भी बैठे हुए हैं। फॉर्चुनेटली जैसे मैंने आज तकरीर में कहा कि जो सेक्रेटरी साहब है टेक्सटाइल के, वो मालेगांव में पावर लूम सर्विस सेंटर किलवाई रोड पर वहाँ यहाँ पर अपनी सर्विस दे चुके हैं, इसलिए उनको मालेगांव के बारे में बुनियादी बातें इल्म है, ऐसा उन्होंने हमसे खुद कहा, तो हमारी बात रखने में आसानी हुई। पीर के दिन इतनी जल्दी कोई भी, मैं 30 साल के अंदर देख रहा हूँ इतनी जल्दी गवर्नमेंट किसी बारे में मीटिंग का इनकार नहीं करती। मेरे पास व्हाट्सएप पे वो उनका मीटिंग का लेटर भी है, आप लोगों को मैं फॉरवर्ड करता हूँ। 4 बंदे 2 मालेगांव से 2 भिवंडी से, मालेगांव से मैं शब्बीर ढेलवाला पावर लूम बुनकर एसोसिएशन सेक्रेटरी और रियल पावर लूम फेडरेशन की तरफ से एडवोकेट मोमिन मुजीब साहब, हम दोनों अपना खुद का फॉर्म बना के गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को देंगे कि हमारे कारखाने की ये मालूमात है, इस पर अगर आपको ऑनलाइन सब्सिडी देना हो तो दीजिए,
अदरवाइज हमको आपके पांव के ऊपर हम कोई फील नहीं करेंगे भले हमारी सब्सिडी खत्म हो जाए। ये ऐसा यूनिवर्स फैसला हम लोगों ने लिया है जिसका मैंने आज मीटिंग में लोगों से उसकी मंजूरी ली। भिवंडी से रशीद ताहिर मोमिन और सुरेश वांगा करके जो पहले इससे पहले चेयरमैन थे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के, तो ये चार बंदे हम जो है थाने के अंदर DDR ऑफिस में पीर के दिन 11 बजे बैठेंगे, अपनी बात अपना फॉर्म बताएंगे, वहाँ के सिक्योरिटीज वगैरह अगर उसको एक्सेप्ट कर लिए तो ये संजीवनी रहेगी पूरे महाराष्ट्र के पावर सेंटरों के। अगर उसको नामंजूर किए तो एक बहुत बड़ा मसला मालेगांव में नहीं पूरे महाराष्ट्र में आएगा कि पावर लूम पर जो सब्सिडी 30 सालों से चलती आई है 2023 के बाद मुमकिन है कि वो खत्म हो जाए। बेमुद्दत आप लोगों ने बंद का ऐलान किया है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि कल से शनिचर के रोज से कारखाना कुछ चालू करने वाले हैं, और दयाने का खास तौर से सुनने में आ रहा है कि दयाना भी शनिचर से चालू होने वाला है। जैसा कि आपने पूरी मीटिंग में ये बात गौर से सुनी, आज की मीटिंग के जो सदर थे KD महाजन साहब, वो आप मेरे साथ आज इस बैठक में शामिल है, इन्होंने पूरी जिम्मेदारी से हर मरतबा जब भी ऐसा कॉल आया है उसमें पूरा पूरा सहयोग किया है, और इस वक्त भी पूरा दयाना जो लोग बन के ये तमाम के लोग भी परसों की वहाँ मीटिंग में शरीक हुए। तो आप ये एक तरह की अफवाह है, पूरा शहर बन के साथ है। आप एक बात नोट कीजिए, मालेगांव में लगभग कम बेश 3 लाख पावर लूम है, अगर 1% आप पकड़ते हो तो 3000 पावर लूम 1% होता है। तो आप पूरा शहर रिपोर्टिंग के हिसाब से आप पूरा शहर का दौरा कीजिए और उसको काउंट करेंगे तो आपको 1000 लोगों भी चालू नहीं मिलेंगे। तो ये फैक्ट है, ये हिसाब है, ये मैथमेटिक्स है कि हम जो है बिला वजह का धोखा या दावा नहीं कर रहे हैं। 1% पावर लूम अगर गांव में चालू है तो वो 3000 लोग अगर चालू रहेगा तो 1% कहा जाएगा। तो जब 99% पावर लूम बंद है और वो 1% भी नहीं है, इससे ज्यादा बड़ी कामयाबी हर कारखाने द्वारा हर मजदूर हर मालेगांव करके लिया और क्या चाहिए।